बताएं क्या परेशानी है सर। ये परेशानी हमें ये आ रही थी कि हमें एक नोटिस निकला था, शायद स्कूल में गए थे हम एक्सटर्नल देने के लिए, तो स्कूल में गए हम तो वहाँ पे हमें पता चला कि ये हमें एग्ज़ाम में नहीं बैठने दे रहे, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमें रोल नंबर भी इशू हो गए हुए थे, सब कुछ हो गया हुआ था, तो उसके बाद एक नोटिस निकला कि आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि वो हमें नहीं पता किस वजह से क्या हो गया। तो लेकिन उन्होंने बोला है कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर करेंगे काम आगे, जो भी होगा तो पता शाम तक पता चल जाएगा आपको। उससे दिले क्योंकि छुट्टी का दिन में फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरा साथ दिया। आज जो हायर सेकेंडरी स्कूल में जो एग्जाम चल रहे हैं ट्वेल्थ के, जो बच्चे जिन बच्चों ने 2023 में एडमिशन करवाई थी उसकी कोई प्रॉब्लम से कोई बच्चों को एग्जाम में बैठा नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए क्योंकि उनको रोल नंबर भी मिल गए, उनको सब कुछ मिला, उनकी एडमिशन भी होगी, पर कोई ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया जो कि उन बच्चों को वहाँ पर कल से बैठने नहीं दिया कोई प्रैक्टिकलों में, और आगे आने वाला जो 7 तारीख को एग्ज़ाम है उसी सिलसिला में आज हमने डी साहब से संपर्क किया। डी साहब ने हमें पूरा टाइम दिया और कहा 4 बजे हमें मिलो। सुबह ये बच्चे इकट्ठे हो गए थे, तो जब 4 बजे हमने पूछा, डी साहब ने हमें बताया, वो डायरेक्टर साहब से बात की, बोर्ड के चेयरमैन से बात की, उन्होंने कहा हम इसका कुछ रिजॉल्व कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन जरूर निकालेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट का फिगर है, कम से कम 800 बच्चा है यहाँ पर जिनने एग्ज़ाम देना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हमें पूरा साथ दिया, इसमें कोई डी सी साहब ने आप छुट्टी के दिन भी पूरी डिप्टी कमिश्नर पूछ ने आपको क्या आश्वासन दिया? डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि ये जो मसला जरूर सॉल्व होगा, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने कहा कि अगर हमें गवर्नमेंट ने कहा इसकी एडमिशन लो, इनके रोल नंबर भी इशू हो गए, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा आज ही ये जब बोर्ड चेयरमैन से बात करेंगे डी साहब, उसके बाद ये हमें बताएंगे पे किस तरीका से क्या करना क्या नहीं करना है। तो मेरे ख्याल में आज ये बच्चों ने स्टेप उठाया अपनी जो जिंदगी का, अपने जो भविष्य का, क्योंकि ट्वेल्थ का पेपर था इनको, ये बेचारे आज डीसी ऑफिस या इसी बोर्ड पे जाकर घूमते हैं। तो मेरे ख्याल में आज एडमिनिस्ट्रेशन और डी साहब ने बड़ी बेहतरी से हमें सुना, और मीडिया के साथ से कहते हैं कम से कम ये ऊपर तक पहुँचाया जाए, हल जी साहब तक बताया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा फिगर है ये यूटी में, खसूसन तौर पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के में तो 800 बच्चा है, इन बच्चों में एग्जाम इनको बैठने दिया जाए एग्जाम में, आगे इनका जो पेपर पास इन्हें मेहनत की हुई है, इनके रोल नंबर आ गए हैं, इनका रोल नंबर अलाट हुआ, उसके बाद ये एडमिशन करवाई है, इनका पैसा गरीब बच्चे हैं। तो मैं आपसे मीडिया से साथ से मैं अपील करता हूँ कि ये LG जो हुकूमत है जरूर इन पर नजरसानी करे ताकि एग्जाम दे सकें।